Hey you guys, what's up? Finally, I am going to Pondicherry, and Pondicherry was not in my bucket list, but Auroville was. So in a way, I am ticking off another thing off my bucket list. ये बैग पैक हो गया, ये सारा सामान अभी पैक करना है. दिस इज माई हस्बैंड बैग, दिस इज मेकअप. आपको पता है सुनाम में इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई है. हम जा रहे हैं गाँव वाली जगह पे जहाँ पे हम इंटरनेट चला सकें और टिकट्स बुक कर सकें. तो बहुत ही मुश्किल से हमने टिकट्स बुक की और हम अगले दिन निकल गए पटियाला के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो पटियाला से थी. फाइनली वी रीच्ड नबू'स होम. हम पहुंच चुके हैं ट्रेन में. ये रही नबू, जो सो रही है. बोल रही चाय गरम चाय दाले 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 लाल माले माले माले. सोचा था ट्रेन में सो जाऊंगी पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई. सो वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट एंड नवू की जिंदगी की पहली फ्लाइट है. सो हाउ डू यू फील ब्रो? फिलहाल नो फीलिंग. जाके पता लगेगा जब टाइम नेड़े आऊंगा. तब भी कुछ फील नहीं होता. जब मेरी फ्लाइट थी तब मैंने हाईजैकिंग तक सोच लिया था. हाईजैक हो गया तो मैं क्या करूंगी. मुझे लग रहा है कि मेरे नॉजिया फील होगा था. कुछ भी नहीं होगा. लेट्स सी. Yes. Flight तो बाद दस सकती experience. चल ठीक है, waiting for it. So we have reached and come launch. अब हमारी फ्लाइट है 2:30 बजे और हम 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए. अब हम खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या. आँख उड़ी लग गई है फ़ोन पे. No interest in me. मेरा घर वाला बाहर फिर दें कितने. I don't know where. तो मुझे पता चल गया भाई, खाना ही जीवन का सत्य है. इसको कहते हैं भाई घोड़े बेच के सोना. लोग कह रहे हैं बच्चे पैदा करने की उम्र हो गई है, यहाँ पे हमारा खुद का बचपना नहीं जा रहा है. सो हमने फाइनली फ़्लाइट बोर्ड कर ली. फ़्लाइट की कॉस्टिंग रह गई अराउंड 6,000 रुपये. पहली बार मैंने कैप्टन को देखा फ़्लाइट में. क्या आपने देखा है? क्या कमेंट करके बताना. विंडो सीट पे बैठ के अगर मैं एक क्लिप नहीं बनाऊंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं घूमने जा रही हूँ. ये एक शगुन है, शगुन. रात के 2:30 बजे की फ़्लाइट थी तो हमें ऐसा लगा कि तारे जमीन पर आ गए हैं सच में. लेकिन फीलिंग ख़राब कर दी एयर होस्टेस ने जब बताया कि वेदर ख़राब है और प्लेन में भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग गई. देन फाइनली वी रीच चेन्नई एयरपोर्ट. इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव रीच्ड चेन्नई एंड वी आर वेटिंग फॉर द लगेज. भाई एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था. हमने लगेज लिया, कैब बुक की और रुक गए चाय पीने, क्योंकि रास्ते में ये मैंडेटरी है. वी हैव रीच्ड यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस. अरे ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं यहाँ पे आई हूँ वर्कशॉप के लिए. तो हम यहाँ पे आए हैं सैटरडे को, क्योंकि संडे को ऑरोविल बंद होता है. तो हमारे पास आज का मौका है सिर्फ घूमने के लिए, क्योंकि मंडे से मेरी क्लासेस है. तो ऑरोविल बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने रिलीजन कास्ट क्रीड सब कुछ छोड़ के मेडिटेशन करने, एंड दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी. तो ऑरोविल एक बहुत ही पीसफुल जैसी जगह है, फुल ऑफ ग्रीनरी. एंड पौंडीचेरी भी ऐसी जगह है जो बहुत ही पीसफुल है, कमर्शलाइज बिल्कुल नहीं है. तो अगर आप बीचेस को ध्यान में रख के गोवा जैसा समझ रहे हो तो पौंडीचेरी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू. ऑरोविल का मेन सेंटर है माता मंदिर. अगर आप वो विज़िट करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट हफ्ता पहले बुकिंग करनी पड़ेगी. मुझे वो बुकिंग नहीं मिली थी तो हमने लाइब्रेरी वगैरह विज़िट किया, उसके बारे में जाना, एंड हम फिर माता मंदिर व्यू पॉइंट की तरफ निकल गए, जो कि बहुत दूर है. तो बहुत सारा वॉक करना था. रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये लाइब्रेरी और ये सावित्री भवन जहाँ पे बैठ के लोग मेडिटेशन कर रहे थे. बहुत ही शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जगह थी ये. मतलब खोखला कर दे इंसान को, सोचने पे मजबूर कर दे कि यार हम इतने शोर शराबे में रह रहे हैं कैसे. एंड एक यहाँ पे साउंड हीलिंग वाली जगह है, स्वरम करके नाम है उसका. वो भी मैं एंटर नहीं कर पाई क्योंकि वो बंद थी, रिकन्स्ट्रक्शन ऐसा कुछ चल रहा था वहाँ पे, आई डोंट नो. तो आप जब जाओ तो पहले से बुकिंग करके जाना हर चीज़ की. देन हमने देखा कि यहाँ पे एक पेड़ है और उससे अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं और वो ज़मीन में जा रही हैं. सब रूट्स बन रही हैं, सब कुछ कनेक्टेड है. लोग उन पे सिर रख के मेडिटेट कर रहे हैं या फिर अपने दुख शेयर कर रहे हैं. मतलब अलग ही दुनिया है यार, आप सोच ही नहीं पाओगे कि ऐसा भी होता है क्या. और ये पेड़ भी बहुत अलग था, मैंने ऐसा पेड़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखा. देन फाइनली वी रीच्ड माता मंदिर, दैट इज़ द गोल्डन ग्लोब एंड सेंटर ऑफ दिस सिटी. यहाँ पे एंट्री चार्जेस कोई नहीं है, ना ओरोविल में ना ही माता मंदिर में. ये देख के थोड़ा थोड़ा डर लगा कि कहीं ये आत्मा तो ही नहीं निकाल रहे हैं.
थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी जब वो लड़की नहीं हिली, आत्मा नहीं निकली उसमें से, तो हमें लगा चलो छोड़ो आगे चलते हैं। और वेल में बुटीक्स एंड कैफेज़ आर वेरी फेमस, यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, मोस्टली फ्रेंच, जो कि हमें आसपास के जगहों पे नहीं मिलते, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो इन लोग का खाना सब ऑर्गेनिक होता है, चीज़ भी और नींबू पानी भी, लेमन सोडा था इसमें, इन्होंने ब्राउन शुगर डाली थी। और ऐसा ही करने को मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब घर जाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे, अब तक वो हुआ नहीं है, देखते हैं कब हो। उसके बाद हम निकल गए फ्रेंच कॉलोनी की ओर, लेकिन रास्ते में बहुत सारे देवी देवताओं की, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या होती है देवी देवताओं की झांकियाँ जा रही थी। मतलब जैसे हिमाचल में देखे हैं वैसे मैंने देवी देवताएं उनमें आते हैं और वो हिलते हैं, वैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल झांकियाँ जा रही थी। पर अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी और स्टेट में जाके उनका कल्चर देखना, और शायद इनका कुछ स्पेशल दिन हो और हम लकीली यहाँ पर आ गए हों। दैन वी रीच्ड वाइट टाउन या फिर फ्रेंच कॉलोनी, दोनों एक ही है, मतलब दोनों साथ साथ में, आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी इतनी अलग थी और वाइब इतनी अलग थी। अगर आप कभी पौंडीचेरी जाते हो तो सैटरडे संडे को यहाँ पे स्ट्रीट फूड मार्केट लगती है, ये कभी मिस मत करना, फ्रेंच टाउन में ही लगती है एंड द फूड इज़ वर्थ डाइंग फॉर। फूड का प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल था और टेस्ट तो था ही नेक्स्ट लेवल, तो डोंट मिस इट। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो पूरे व्लॉग में कि ये दिख नहीं रही है, ये है कहाँ, तो मैं हूँ मोमोज की रेडी पे। मोमोज बहुत अच्छे थे पर फतेहाबाद के रवि वाले से ऊपर नहीं। उसके बाद हम चले गए प्रोमिनेट बीच, ये फ्रेंच कॉलोनी के बिल्कुल पास में है, तो आप खाना लेके वहाँ से वॉक करके जा सकते हो। क्या वाइब थी, हाई टाइड थी, बहुत मज़े आ रहे थे। उसके बाद हमें दिख गए गोलगप्पे, जिसको यहाँ पे पुचका बोलते हैं, ये हम कैसे छोड़ सकते थे, मतलब लड़कियाँ और गोलगप्पे छोड़ दें, नहीं, चाहे हमें भूख हो चाहे नहीं हो। स्ट्रीट फूड के रेट यहाँ पे हमारे जैसे ही थे, 20 रुपए की प्लेट गोलगप्पे थे। उसके बाद स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए एक एंटीक शॉप पे, इस पे सामान तो बहुत अच्छा था पर हमने कुछ लेना नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा चलो अंदर जाके गेड़ी मार आती हूँ, एक रील भी निकल जाएगी साथ में। पौंडीचेरी में आपको हिंदी बोलने वाले लोग और हिंदी गाने बहुत कम सुनने को मिलेंगे, तो जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहीं पे बैठ जाना चुपचाप। और ये पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे होती हैं सिर्फ सैटरडे संडे, वीकडेज़ में कोई पार्टी नहीं, और सैटरडे संडे भी सिर्फ फ्रेंच टाउन में, बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस। और अगर आप भी हमारी तरह बॉलीवुड लवर हो तो चुपचाप घुस जाना फ्लेमिंग ड्रैगन्स पे। आज का व्लॉग यहाँ पार्टी के साथ ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले दिन के व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा एंड इफ़ यू नीड अ डिटेल्ड आइटनरी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा दिन का।